उन्हीं से एक प्रश्न पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा कि कोर्ट की गलती है, इतना टाइम लगा देते हैं ट्रायल में। तो सर ये बता दीजिए, जो 5906 केसेस डले उसमें सिर्फ 1142 में चार्जशीट डली, बाकी में चार्जशीट नहीं डली, ये किसकी गलती दर्शाता है आपको? 0.4% कन्विक्शन रेट है सर, उसको आप 96% बताते हुए। सरकार ने बताया है क्या 25 केस कन्विक्ट कर दिए? सरकार ने शर्म आनी चाहिए, ये देखिए शर्म आनी चाहिए आपको। इतना ये एनमी ऑफ डेमोक्रेसी है, एनमी ऑफ डेमोक्रेसी है ईडी। आप मुझे बताइए कि आज मनीष सिसोदिया सर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी ट्रेल दिखाओ, आज भी अपने एफिडेविट में शांत और मनी ट्रेल की बात नहीं हुई। कहां एक ही केस, अब कैसे उनके इतने सारे साल वापस आप ला कर देंगे बताइए? आपने जो उनकी रेपुटेशन खराब की, कैसे वापस करेंगे बताइए? लगातार ये कर रही है ईडी, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है ईडी, अगला चुनाव भी ईडी सीबीआई लड़ेगी। आप नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए, पीएमएलए में केस है, आपके नेता वो एक दो पत्रकारों को थोड़ा डरा धमका भी देते हैं कि आपको मालूम है सत्येंद्र जैन का केस, बताइए केस बताइए। मैं बता देता हूँ, पीएमएलए का केस है, अदालत ने जमानत नहीं दी ना, आप ही मेडिकल ग्राउंड पर दी फाइनली। संदीप जी आप खुद बताएं, अदालत आप जब ईडी पर चलिए, आप सवाल कर देते हैं अदालत क्यों नहीं दे रही जब जमानत? आप शुरू किए अपना स्टेटमेंट तो आप बोले कि पीएमएलए एक ड्रेकोनियन लॉ है जिसमें बेल आसानी से नहीं मिलती, दीज वर योर वर्ड्स नॉट माइन। दोनों केसेस में आज तक 54 रिकवर नहीं हुई है, दोनों केसेस में, ना मनीष सर के केस में ना सत्येंद्र जैन जी के केस में। आप जिस जो बात जो गलती से मीनाक्षी लेखी जी ने बात कर दी उसको हल्के में नहीं लेना। आप देखिए चाहे वो हर्षवर्धन पाटिल हो जो एमएलए हैं या एमपी संजय पाटिल हो जो दोनों आज भाजपा में, वो बोले जब से मैंने भाजपा ज्वाइन की है मैं चैन की नींद सोता हूं और कोई ईडी नहीं आती है। ये खुले में बोले, वो खुले में प्रधानमंत्री जी जिसको बोले कि 70,000 करोड़ का घपला है, वो अगले दिन जाके डेप्यूटी सीएम बन जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। ये कर रही है भाजपा, वॉशिंग मशीन है हमारे खिलाफ, एक 54 का सबूत नहीं है और अभी तक अंदर है। जो भी आवाज उठेगी विपक्ष की उसको ये कुचलने की कोशिश करते हैं। तो सब अपना दामन जो है वो पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक विज्ञापन आता था, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, खेल ये हो रहा है या ये काजल की कोठरी है, कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पहलागी है, कुछ इस तरह का भी खेल है क्या? और इस खेल में जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितने जायज हैं, ये शांतनु सेन से पूछूंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।